हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा प्रैक्टिकल जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है हमारे पास एक प्लांट का फॉसिल है जो लाखों साल पहले जब जमीन में दफ गया होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बिटुमिनस कॉल है, और यहाँ पे ये जो हमने जो प्लांट का जो फॉसिल था उसको जब क्रश किया तो उसका जो डस्ट है वो इस तरीके से निकली हुई है। तो ये दोनों चीज़ को हम मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे और फिर उसके अंदर पानी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बिटुमिनस कॉल है। यहाँ पे क्रश किया हुआ है, दो चीज को डालने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब हम इसको गर्म करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे जो कोयला है उसका डिस्टिलेशन होगा। सबसे पहले नीचे की तरफ जो घन यानी सॉलिड फेज में यहाँ पे कॉक जमा होगा, ये सब जगह है वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स के फॉर्म में कॉल्टार जमा होगा, और ऊपर की तरफ से क्या निकलेगा, कॉक निकलेगा। लेकिन ये कॉक जो निकलेगा ना वो आग लगाएगा नहीं। इसको गर्म कर रहे हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे जो है वो पूरा सेगमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, या नीचे जो है वो कॉलगेस इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये पूरा सेगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ गया है, यहाँ नीचे की तरफ क्या कॉलगेस इकट्ठा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक डेप्लेशन देके ये जो कॉलगेस है उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हो रिएक्शन शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाइट कलर के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वो धीरे 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 यहाँ पे क्या होगा, तो वो जो है वो कॉल्टार यानी कि लिक्विड फॉर्म में वहां पे कॉल्टार इकट्ठा होगा, और ऊपर से गैस निकलेगा वो अभी हम देखते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स इकट्ठे हो चुके हैं जो हमारा कॉल्टार है, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से। यानी पूरी तरफ आप देख सकते हो पूरी जो टेस्टी वे उसमें कॉल्टार इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे जो कैंडल है उसको, अगर यहाँ पे गैस ऊपर से निकल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो एक वाइट स्मोक निकल रहा है कैंडल बुश में, यानी कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर की तरफ से निकल रहा है जिसकी वजह से ये कैंडल क्या हो जा रही है, बुझ जा रही है। अब दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा बुझ जा रही है, यानी ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम जो यूज करते हैं वो इसी तरीके से हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि आग कैसे लगती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंडल जो है बुझ जा रही है। ठीक है, यानी ये जो गैस हमको यहाँ पे प्रिपरेशन में मिल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। आप कभी भी ये घर पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये जो होता है क्लोज जगह पे करने में एक प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको सर दर्द होने की संभावना होती है, या तो फिर आप कॉन्शियस होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए थैंक यू।